कोई भी ऐसी औरत नहीं जिसका नेमल बदल दूसरी औरत हो, एक ऐसी औरत जिसे आप खो दें, आप वैसी कोई औरत नहीं ढूंढ सकते। आप उसकी ज़ात को दूसरी हज़ार औरतों में ढूंढते हुए मर जाएंगे, उसके खला को कभी पूरा नहीं कर सकते। कोई लड़की अगर बदनाम हो जाए तो सबसे पहले उसे वही मर्द छोड़ देता है जो उससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत का दावा करता है। मर्द जब औरत को खो देता है तब उसको कदर महसूस होती है, लेकिन तब तक वो औरत के दिल से उतर चुका होता है। औरत कभी नहीं बताएगी कि वो तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, वो हमेशा पहेलियों में बात करती आई है, लेकिन जब उसे सब्र आ जाए तो दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल काम उसके दिल में दोबारा जगह बनाना है। मर्द की वफा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि सिक्का खोटा है या खरा, और औरत की मोहब्बत मर्द की बेरोज़गारी के वक़्त पता चलती है कि वो कागजी साथी है या वाकई शरीक हयात। नफ्सियात के मुताबिक ज़िंदगी में कोई शख्स ऐसा होना चाहिए जिस पर आप एतबार कर सकें, जब आप लड़खड़ाएं तो वो सहारा दे, गिरें तो उठा सके, और जब आप हिम्मत हार रहे हों तो आपकी हिम्मत बढ़ाए, खुशी में आपका साथ दे, आपके साथ खुशी मनाए, और गम में कभी आपको तनहा ना छोड़े, और बदकिस्मती से आपको कोई ऐसा शख्स मुयस्सर नहीं तो आप किसी के लिए ऐसे शख्स बन जाएं, शायद आपके नसीब में किसी का मसीहा बनना लिखा हो। जवान लड़की की एड़ी में भी आंखें होती हैं, वो चलती है तो उसे पता चल जाता है कि पीछे से कौन आ रहा है और कौन सी नज़र से देख रहा है। चार आदतें छोड़ दो, मर्द आपसे बात करने को तरसेगा, मिन्नतें करेगा, उसके पीछे भागना, उसका इंतज़ार करना और उसे मुतासिर करना। मर्द की लाडली बनना चाहती हो तो तीन बातों पर काम करो, मर्द का दिल जीतो, उसकी हर बात मानो और रात को उसके पांव दबाया करो। शादीशुदा औरत की दो चीज़ें पकड़ने से औरत जान देने को भी तैयार हो जाती है, एक उसकी कलाई पकड़ना और दूसरा उसके फुटबॉल को पकड़कर दबा देना।